शरीर को स्वस्थ लेने के लिए दवाई लेना ठीक है या नहीं? जब तक योग बल नहीं है तब तक दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई खास खास प्राणायाम है या शरीर के आयाम हैं, आसन हैं, अगर टाइम निकलता है तो वो भी करें, लेकिन मुख्य ध्यान किसके ऊपर रहे? हैं? याद की यात्रा के ऊपर खास ध्यान रहे। प्राणायाम करें तो भी ध्यान रहे, आसन लगाएं तो भी ध्यान रहे, क्योंकि मालूम है 2500 साल से ये आसन प्राणायाम करते चले आए, आखिरी निस्तार तो दुनिया में किसी का हुआ नहीं। ऐसे ही फालतू चिल्लाते हैं कुंडलनी शक्ति जागृत करेंगे, कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, हुआ आज तक किसी का भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कोई का आज तक हुआ नहीं जो कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाए और सैकड़ों साल का आदमी बना रहे। चक्कर वक्कर सब ऐसे ही हो, दम चक्कर में फंसे हुए हैं। ये प्राणायाम वगैरह भी कितने साल से चल रहा है, हजारों साल गुजर गए, लेकिन शरीर तो कंट्रोल तंदुरुस्त हुआ, लेकिन मन किसी का एकाग्र नहीं हुआ। अगर प्राणायाम से किया भी है तो नील में चले गए, कुछ भी याद नहीं रहता, चाहे 5 मिनट का कुंभक लगाने वाले हों, चाहे 2-4 दिन का कुंभक लगाने वाले हों, नील में जाने से कोई फायदा तो नहीं होता। जैसे सुसुप्ति, तो असली बात है आत्मा रूपी बीज को पावरफुल बनाना, और आत्मा कहा ही जाता है मन बुद्धि को। मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रक्रिया किसी ने भी नहीं सिखाई। शरीर को पावरफुल बनाया, लचीला बनाया, थोड़े समय के लिए निरोगी भी बनाया, लेकिन सदा काल के लिए निरोगी कोई का शरीर नहीं बना, क्योंकि आत्मा रूपी बीज तो कमजोर ही रहा। एकाग्रता की जो शक्ति है वो तो आई नहीं। अभी बाप तो हमको आत्मा की एकाग्रता की शक्ति की प्रैक्टिस कराए रहे हैं। जैसे बाप आत्माओं का बाप है, तो शरीर को पहले सुधारता है, शरीर के 5 तत्वों को पहले सुधारता है, या मन बुद्धि रूपी आत्मा को सुधारता है? मन बुद्धि आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो बीज है उसको सुधारने का तरीका पहले बताए रहा है। इसमें मिक्स नहीं करना है। बीमारी आती है, दवा लेते हैं, प्राणायाम करते हैं या कोई आसन लगाते हैं, वो एक अलग बात, वो कोई योग नहीं है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए परमपिता परमात्मा से मन बुद्धि का कोई योग नहीं होता है। ये तो बाप हमको सिखाए रहे हैं कि याद ही योग है, और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के संबंधों का योग चाहिए, संबंधों का स्नेह चाहिए बाप के साथ।
और देहदारियों से तोड़ते जाएं और एक बाप के साथ जोड़ते जाएं। प्राचीन राजयोग से पैराडाइज बनता है। तो ये जो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अभी जो योग की जरूरत है ना, करना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लक्ष्य ही गलत है। हमें शरीर को तंदुरुस्त करना है या आत्मा को तंदुरुस्त करना है? शरीर को तंदुरुस्त करेंगे तो 36 प्रकार के भोग लगाएंगे या सादा भोजन करेंगे। आत्मा तो शरीर में ही निवास करती है। भले करती है, शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन जड़ देह के ऊपर हुआ या कॉन्सेंट्रेशन चैतन्य आत्मा के ऊपर हुआ? देह के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो देह की सबसे ताकत मारने वाली इंद्रिय कौन सी काम करेगी? ओए ओए बताओ ना। भले भारत का प्राचीन योग बरोबर बहुत मशहूर है, तो बात है कि विदेशों में भी सन्यासी लोग जाते हैं तो कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाने आए। क्यों कहते हैं? बहुत मशहूर है इसलिए तो कहते हैं, ताकि लोग प्रभावित हो जाएं। तो भले बहुत मशहूर है लेकिन क्या सन्यासियों ने सिखाया? सन्यासियों ने राजयोग सिखाकर कोई को राजा ही करना सिखाया? कोई को राजा बनाया? बनाया आप समान सन्यासी बनाया होगा। सन्यासी क्या बना देंगे? सन्यासी बना देंगे। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। आत्मा को तपाना है या देह को तपाना है? वो तो देह के योग सिखाते हैं। क्या आसन करना सिखाएंगे? उल्टे पलटे होते रहो है, श्वास प्रश्वास रोकना सिखाएंगे? बहुत करेंगे तो त्राटक करना सिखाएंगे आंखों से है? अरे अब बाप कहते हैं ये सब देह के अंगों का जो प्रैक्टिस कराते हैं इससे क्या आत्मा पावन बनेगी? आत्मा तो पावन नहीं बन सकती। तो जो जोर जबरदस्ती से काम कराया जाता है वो हठ योग कहा जाता है। भगवान आकर के हठ योग नहीं सिखाता। क्या सिखाता है? सहज राजयोग सिखाता है। और सहज राजयोग में मन को कंट्रोल करना सिखाता है। जब मुखिया कंट्रोल में आ जाएगा तो जो सहयोगी हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। डकैतों का सरगना कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी डकैत तो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। योग तो दो प्रकार के होते हैं। एक हठ योग और दूसरा राजयोग। हठ योग अर्थात हठ पूर्वक योग लगाया जाए, जबरन याद में बैठा जाए, लगन लगी हुई नहीं है, स्वाभाविक लगाव जुटता नहीं है, फिर भी जबरन जुटाने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि मुसलमान कोई उस धर्म में जाना नहीं चाहता है लेकिन तलवार के बल पर उसे कन्वर्ट करते हैं,
ऐसे ही हठ योगी अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को जबरियन कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरा है राजयोग, जिसका नाम ही है सहज राजयोग। ऐसा इसमें राज भरा हुआ है कि सर्व संबंधों की रचना के कारण सहज ही योग लग जाता है। याद करना नहीं पड़ता है, परंतु याद भूले कैसे, ये एक समस्या बन जाती है। अब ये महर्षि आदि कौन सा योग सिखाते हैं? हठ योगी तो कभी भी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। कहते भी हैं सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। संकल्पों की खींचातान हो जाती है, संकल्पों का खून हो जाता है। राजयोग तो सिवाय साकार के और कोई सिखलाए न सके। लेकिन सच्चाई से चला जाए तब है। अगर मन में बुद्धि में थोड़ी भी झूठापन है तो वो राजयोग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बोला अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई करोड़ों में एक है, करोड़ पुरुषार्थियों में भी एक। इसका नाम राजयोग है, जरूर इसमें कोई बड़ा भारी राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है कि दुनिया में विकारों की अति होगी और उस अति में से भी अंत होने के बावजूद भी शेष स्थान में बची रहे। ये सन्यासी लोग बाहर विलायत में जाते हैं, कहते हैं हम भारत का प्राचीन राज्य सिखलाने आए हैं, शरीर इतनी है सिखलाते रहते हैं, प्राणायाम सिखला लेंगे, शरीर की योग आसन की क्रियाएं सिखला लेंगे। उनका नाम रख दिया राजयोग। बाप कहते हैं इसमें राज की क्या बात है, राजयोग तो तुम बच्चे सीख रहे हो कि कर्म करते कैसे बुद्धियों को एकाग्र किया जाए, एक ही याद में टिकाया जाए। जब एक ही याद में बुद्धियों को टिक जाता है तो कर्म इंद्रिया अपना भोग स्वीकार करना भूल जाती है, कर्म इंद्रियों से न पाप बनता है न पुण्य बनता है। तो ये हुआ राजयोग, ये राज है जो कोई भी हठयोग गुरु हठयोगी गुरु नहीं समझा सके। तो बाबा कहते हैं वो प्राचीन राजयोग सिखाया किसने है? कोई नया आने वाला धर्म पिता सिखाएगा या प्राचीन से प्राचीन पुराने से पुराना जो मनुष्य होगा वो सिखाएगा है? प्राचीन राजयोग तो पुराना ही हो तो वो सिखाएगा, जो आया ही बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पर
वो राजीव कैसे सिखाएगा? तो ये बात कोई नहीं जानते हैं कि प्राचीन सहज राजयोग किसने सिखाया। वो प्राचीन सहज राजयोग एक बाप ने ही सिखाया। ऐसा राजयोग सिवाय परमात्मा बाप के और दुनिया में कोई मनुष्य मात्र सिखाई नहीं सकता। वो देह के योग सिखाएंगे, दैहिक क्रियाएं सिखाएंगे, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, योग की ढेर प्रक्रियाएं सिखाएंगे। वो शारीरिक व्यायाम सिखाते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने वाली तरीका नहीं सिखाते। मन बुद्धि को कैसे एकाग्र किया जाए? मन ही तो बड़ा चंचल है। ऐसे कहीं कहा कि 10 इंद्रियां बहुत चंचल हैं और मन चंचल नहीं है। मन बहुत चंचल है। मन की चंचलता दृष्टि से मापी जाती है। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें स्थिरियम भी बनती हैं और आंखें चंचल से चंचल भी बनती है। आंखें सिविलाई भी बनती है और आंखें किरणलाई भी बनती है। 10 इंद्रियों में सबसे जास्ती इंद्रिय सूक्ष्म है आंख, और आंख से भी ज्यादा सूक्ष्म है मन। मन से वाइब्रेशन बनते हैं। दृष्टि से भी सृष्टि सुधरती है, लेकिन तभी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी जब दृष्टि पवित्र बन जाए, और पवित्र दृष्टि तभी बनेगी जब मनसा एकाग्र हो जाए। वो मनसा की एकाग्रता मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकते। ये मनुष्य गुरुओं का काम नहीं है। जो बाप राजयोग सिखा रहे हैं वो राज यही है कि एक के संग के रंग में राज भरा हुआ है। एक के अलावा अगर दूसरों का भी बुद्धि ने संग का रंग लिया तो नाराज है, कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसमें न समझने की क्या बात है? राजयोग सिवाय बाप के और कोई नहीं सिखा सकता। 63 जन्म सिखाने वाले गुरुओं ने राजयोग के नाम पर राजभोग सिखाया कि योग सिखाया? भोग सिखाया। भोग भोगते भोगते इंद्रियां नष्ट हो गई, आत्मा की शक्ति छीण हो गई, आंखें अंदर घुस गई, इंद्रियों की ताकत लोप हो गई। जो देवताएं 24 घंटे सुख भोगते थे, इतना सुख भोगते थे कि सोते भी नहीं थे, वो अब सुख क्षणभंगुर रह गया है। क्षणभंगुर सुख के पीछे आज आदमी सारी ताकत लगा रहा है। तन की ताकत लगा रहा है, दिन में भी कमाता है, रात में भी कमाता है, धन की सारी ताकत लगाता है क्षणिक सुख भोग के लिए, मनसा की सारी ताकत उसी में उलझी हुई है क्षणिक सुख भोग के लिए। ये मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस, मन बुद्धि और संस्कार का जो बाप है परमपिता परमात्मा शिव, वो ही सिखाता है। उसे एक के अलावा और कोई राजयोग नहीं सिखा सकता, और वो एक ही मुकरण रथ में आके सिखाता है।
न ब्रह्मा के द्वारा सिखाता, न विष्णु के द्वारा सिखाता, न कोई धर्म पिताओं के द्वारा सिखाता। परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, जगत गुरु बन करके आया हुआ है, वो शिक्षा दे रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला हुआ है, स्पिरिचुअल गार्डली यूनिवर्सिटी खोली हुई है, जिसमें स्पिरिट को, आत्मा को पावरफुल बनाने का अभ्यास सिखाया जाता है। उस अभ्यास को कोई भी गरीब हो, अमीर हो, जो अभ्यास परमपिता परमात्मा इस समय राजयोग का सिखाए रहा है, उस अभ्यास को कोई भी मनुष्य मात्र, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, उस अभ्यास को पालन कर सकता है, सीख सकता है। परमात्मा बाप आकर के इस यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं लेते उस अभ्यास को सीखने के लिए। कोई के पास धन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है धन देने की या धन कमा करके देने की, सारा जीवन वो अभ्यास सीख सकता है। ऐसी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई कोई मनुष्य मात्र नहीं पढ़ा सकता। मनुष्यों ने जो कॉलेजेस खोले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, उनमें इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, मैकेनिक बनावेंगे, लेकिन परमात्मा बाप आकर ऐसी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसमें मनुष्य को देवता बनाया जाता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े राजाएं हुए हिस्ट्री में, उन छोटे बड़े राजाओं को राजाई करना, कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? अरे किसी ने तो सिखाई होगी, सब क्यों नहीं राजा बन जाते? राजघराने में सबका जन्म क्यों नहीं हो जाता? ये तो परमात्मा बाप में ही ये शिफ्ट है, जो आकर के मनुष्य मात्र को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है कि अगर वो ठीक से पढ़ाई पढ़े तो अपनी बुद्धि को सतोप्रधान बना करके नर से नारायण जैसा देवता बन सकता है एक ही जन्म में। ऐसे नहीं जो मनुष्य गुरु कहते हैं अनेक जन्म हम पुरुषार्थ करेंगे तब कहीं एक जन्म में जाकर के हम स्वर्ग में जावेंगे, देवता बनेंगे, नहीं, इसी जन्म में इन्हीं आंखों से इस नारकीय दुनिया को स्वर्ग में पलटने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ। उस स्वर्ग का गायन भारतवर्ष के हिंदू शास्त्र में तो है ही है, क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज कहते हैं, वो भी मानते हैं कि पैराडाइज में कृष्ण का राज्य था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण का ही दूसरा नाम नारायण है। मुसलमान लोग भी कहते हैं जन्नत थी, इस दुनिया में ही जन्नत थी, जन्नत में एडम और ईव का राज्य था, उस आदिदेव का राज्य था। अभी फिर से परमात्मा बाप आकर के गारंटी करते हैं कि तुम इस राजयोग को सीख करके मनुष्य से देवता बन सकते हो। भगवान ने क्या धर्म स्थापन किया? भगवान ने वो धर्म स्थापन किया जिसके लिए
भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला है। क्या बोला है? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने जो धर्म सिखाया है उस धर्म की धारणा का स्वल्प भाग भी अगर धारण किया, थोड़ा हिस्सा भी अगर धारण किया, अभ्यास किया, तो वो बड़े से बड़े दुनिया के भय को दूर भगा देगा। कौन सा धर्म है? अरे आत्मा समझना। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो स्वधर्म है ना, आत्मा का धर्म, आत्मा को याद करना, ये ऐसा आत्मिक धर्म है कि इसको थोड़ा सा भी पालन करेंगे तो दुनिया में आने वाली जो बड़ी बड़ी आपदाएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। है आत्मिक स्थिति में रहने से। अभी प्रत्यक्ष देखो, जो आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस वाले हैं उनमें भूत प्रवेश नहीं करेगा, जो देवान में रहने वाले हैं उन्हीं में भूत प्रवेश करता है जो टेंशन में आते हैं। टेंशन में आदमी कब आता है? है जब देवान में रहता है तो टेंशन में आता है। टेंशन में आता है, वाइब्रेशन खराब होते हैं, वो भूत प्रेत आत्मा वाइब्रेशन को पकड़ के उनमें प्रवेश कर जाती है। तो आत्मिक स्थिति का इतना प्रभाव है। जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे उनमें भूत प्रेत नहीं प्रवेश करेंगे। जो मेरे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं, तो उनकी हर पूर्ति हर प्रकार की मैं पूरी कर देता हूँ। और जो पूर्ति कर देता हूँ उस प्राप्त की हुई चीज की सुरक्षा भी करता हूँ। तुमको उसकी सुरक्षा भी करने की दरकार नहीं। गीता में बोला ना, योग क्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जिस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है वो उसका योग हो जाएगा, मिल जाएगी। और जो मिली हुई चीज है क्षेमं, उसकी सुरक्षा करूंगा। योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे बच्चे बनते हैं मैं उनको किस चीज की जरूरत है, किस समय जरूरत है, उस चीज की उपलब्धि भी कराता हूं और उन उपलब्ध हुई चीजों की सुरक्षा भी करना मेरा काम है। वो परमात्मा बाप, सुप्रीम सोल, मनुष्य मात्र को ये ज्ञान दे रहा है कि अब एकाग्रता के द्वारा अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ। ये राजयोग कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। मनुष्य सब देह अभिमानी है, वो देह का योग सिखाएंगे, आसन की प्रक्रिया सिखाएंगे, कुंभक का प्राणायाम करना सिखाएंगे, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सिखाएंगे, लेकिन मैं जो योग सिखाता हूँ, मन बुद्धि को एकाग्र करने वाला योग जिससे आत्मा सुख और शांति को प्राप्त करती है, इस शरीर में रह करके ही सुख शांति प्राप्त कर सकती है, धन हो न हो, तन स्वस्थ हो न हो, तो भी आत्मा सुखी रह सकती है। ऐसा राजयोग, ऐसी बुद्धि को सात्विक बनाने वाला राजयोग परमात्मा बाप इस समय सिखा रहा है। अगर कोई मनुष्य उसका ज्ञान दे भी रहे हैं तो उससे सुना हुआ ज्ञान दे रहे, रियलाइजेशन कराए रहे। तो अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी जागने का टाइम है, सजग होकर के देखने का टाइम है कि इस दुनिया में कहां आया हुआ है परमात्मा बाप, कहां ज्ञान की वो बांसुरी बजाए रहा है,